पूजनी संत समाज, सज्जनों और देवियों, एक विषय मैं पहले कहना चाहूँगा। सद्गुरु कबीर पंथ के इष्ट और पूज्य और पूरे मानव समाज के वे श्रद्धेय निराले संत हैं। उनके विषय में विद्वानों ने भ्रम धारणा फैलाई है कि वे गृहस्थ थे और स्कूल के पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में उनको गृहस्थ लिखते हैं, साथ साथ उनको वैरागी भी लिखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्होंने इसके विषय में जरा ठीक ठाक नहीं लिखा, उन्होंने भी कहा कि अमुक विद्वान उनको मानते हैं कि वे वैरागी थे। पाठ्यक्रम में ये प्रदूषण फैलता है। वैसे गृहस्थ होना बुरा नहीं, गृहस्थी में रह करके अच्छे अच्छे संत होते हैं। कोई गृहस्थी में हो और फिर उससे ऊपर हो, अनासक्त हो, निष्काम हो, वो संत ही है। लेकिन तथ्य यह है कि कबीर साहब एक विरक्त संत थे। किसी के जीवन को समझने के लिए प्रामाणिक जीवनी हो तो हम उससे समझ सकते हैं, प्रामाणिक जीवनी न हो तो दो आधार हैं, आंतर साक्ष और बाह्य साक्ष। आंतर साक्ष उनकी वाणी होती है और बाह्य साक्ष उनकी परंपरा होती है। कबीर साहब के विषय में उनके जीवन काल में कोई प्रामाणिक जीवनी नहीं लिखा, और कबीर साहब ही नहीं, गोस्वामी जी के लिए कौन लिखा। गोस्वामी जी के लिए इतना भ्रम है, कलकत्ता नेशनल लाइब्रेरी में मैंने पढ़ना चाहा, गोस्वामी जी पर लिखना चाहा। संसार के महापुरुषों में महापुरुष, संसार के महापुरुष नाम के ग्रंथ जो मेरा है, उसी क्रम में मैं रखना चाहा गोस्वामी जी को, लेकिन मोटी मोटी पुस्तकें पलटा, उसमें संदेह संदेह के अलावा कुछ नहीं। तो भारतीय परंपरा में हमारे संतों ने स्वयं तो लिखा नहीं, दूसरे लोग भी उनके विषय में कुछ लिखे नहीं। ऋषियों मुनियों सब की बात ऐसे है, वे अपने नाम रूप के प्रति उदासीन होते थे। तो कबीर साहब की भी जीवनी नहीं लिखी गई उनके जीवन काल में, पीछे अपने अपने ढंग से भिन्न भिन्न रूप से लिखे, लेकिन उनकी वाणी अभी पूरे विश्व में प्रचारित है। मुख्य ग्रंथ बीजक है, बीजक के अलावा साखी ग्रंथ है, शब्दों का बहुत बड़ा सागर है। ये सब में कहीं भी गृहस्थ रूप नहीं है, विरक्त रूप है। माया महा ठगनी हम जानी, उन्होंने कहा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को चुनौती दिया कि इनके पास में तो पार्वती है, भवानी है, लक्ष्मी है। उनकी वाणी आप देखिए तो वैराग से भरी हुई है, आंतर साक्ष उनकी वाणी है, उनकी वाणी वैराग परक है और बाह्य साक्ष उनकी परंपरा है। सद्गुरु कबीर काशी में जहां बैठे उसको आजकल कबीर चौरा कहते हैं, उसके बाद अनेक शाखाएं भारत में फैली हैं, विदेश में फैली हैं। कोई कबीरपंथी की परंपरा ये नहीं मानती है कि कबीर साहब गृहस्थ हैं, सभी मानते हैं विरक्त हैं। काशी कबीर चौरा साहब के जमाने से आज तक क्रमशः चल रहा है, वहाँ के सभी महंत विरक्त होते हैं, और वे लोग भी मानते हैं कबीर साहब विरक्त थे।
अन्य सभी शाखाएं ही मानती हैं कबीर साहब विरक्त थे। एक शाखा है जिसको वंश परंपरा कहते हैं, लेकिन वंश परंपरा के महंत स्वयं शादी करते ही गृहस्थ होते हैं, लेकिन वे कबीर साहब को विरक्त मानते। वो भी गृहस्थ महंत कबीर पंथ में हैं, वे सब के सब कबीर साहब को विरक्त मानते हैं। और वंश परंपरा में दूसरी शाखा है जो विरक्तों की है, खरसिया वाली और नादिया वाली, कई शाखाएं हुई। तो उन नाम तो रखते हैं वंश परंपरा, लेकिन वो विरक्त होते हैं। और जो अभी भी गृहस्थ रूप में हैं वे भी यही मानते हैं कबीर साहब विरक्त थे। बाह्य परम बाह्य साक्ष उनकी परंपरा, आंतर साक्ष उनकी वाणी है। इन दोनों से कबीर साहब विरक्त रूप में हैं। जब मैंने उनका विरक्त स्वरूप लिखा ठीक से, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को रजिस्ट्री से भेजा रजिस्ट्री पत्र, कुछ उत्तर नहीं दिए। तो महीना भर के बाद मेरा साधु गया और पूछा कि गुरु जी ने पत्र दिया था, आप उत्तर नहीं दिए। कहे मुझे नहीं मिला। आप जानते हैं कि रजिस्टर्ड पत्र जिसको भेजा जाता है उसको मिलता है, अथवा जो भेजता है उसको मिलता है। लेकिन वे चुप हो गए, कुछ कह नहीं सके। यद्यपि हमारा उनका मधुर संबंध था, ऐसे ही वे आ जाते मेरे पास, या कहते आप ही आ जाइए तो मैं ही उन चला जाता, आमने सामने बात हो जाती। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि गलत प्रक्रिया है। इस पर हमारे संत जन कुछ ज़्यादा सक्रिय हो करके काम करते हैं, वे आवाज़ उठाना चाहते हैं। आवाज़ उठाना चाहिए, भक्तों को भी आवाज़ उठाना चाहिए, और ये वातावरण बनना चाहिए। कोई भी क्रांति तत्काल सफल नहीं होती है, बड़ी से बड़ी क्रांति। कांग्रेस ने 70 वर्षों में भारत को आज़ाद कर पाया, इसलिए घबराना नहीं चाहिए, श्रम करना चाहिए। और ये काम संत जन करें, भक्त लोग भी करें, ये वातावरण बने। संत जन हमारे कबीरपंथी कबीर साहब पर कुछ लिखते ही नहीं थे। मैंने खुल करके लिखा, अनेक कबीर जीवनी में साफ लिखा, कबीर दर्शन में लिखा, अनेक पुस्तकों में संत कबीर उनके उपदेश, अनेक ग्रंथों में लिखा। और इसका वातावरण भी विद्वानों में गया, और कई विद्वानों ने स्वीकारा कि जो आप लिखते हैं सच होगा। ऐसे ही वातावरण बनता है, तो संत भक्त इसके लिए वातावरण बनाएं और धैर्य से काम करें। मैं समझता हूं इसमें सफलता होगी, क्योंकि इसमें विद्वानों का क्या नुकसान है। एक कबीर पंथ इतना विशाल है देश विदेश में, वह जिसको मानता है उसको स्वीकार कर लेने में उनका क्या नुकसान होगा। इस पर प्रयास चलना चाहिए। अब मैं अपने वर्तमान विषय में आऊं, साहब का एक पद कहूं प्रसिद्ध और उस पर चर्चा। घूंघट के पट खोल रहे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रहे। धन यौवन का गर्व न कीजे, झूठा पचरंग चोल रहे। शून्य महल में दियना बारिले, आसन से मत डोल रहे। जोग जुगत से रंग महल में, पी पाए अनमोल रे। कहें कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। स्त्रियां घूंघट करते हैं, हमारे शरीर में मनोवृत्ति के ऊपर अविद्या का घूंघट है। घूंघट चेहरे पर डाला हुआ पर्दा, ये पर्दा पुराना नहीं है। वैदिक युग में भी लज्जा और शर्म की बात है। वैदिक ऋषियों ने कीड़ों का मजाक किया है, अय कीड़ों, सूरज के निकलने पर तुम वैसे ही पीछे भागते हो जैसे नववधू अपने ससुर को देख करके पीछे भागती है।
मजाकिया ढंग से कीड़ों का उपहास उन्होंने किया है। सूरज परम औषध है, उसकी किरणें परम औषध है। तो इससे ये लगता है कि बहुएं ससुर से लज्जा करती थी, लेकिन घूंघट कहीं नहीं। घूंघट शायद है मुसलमानी जमाने में ये बढ़ा हो, मर्यादा तो थी, लज्जा तो थी। वाल्मीकि रामायण में सीता जी कहीं घूंघट नहीं करती हैं, लेकिन गोस्वामी जी की सीता करती है, क्योंकि मुसलमानी जमाने में उनका काव्य लिखा गया है। तो काव्यों पर प्रभाव वातावरण का और समय का पड़ता है। यहाँ घूंघट है अविद्या, मोह, अज्ञान। घूंघट का पट खोल रे तोकू पीव मिलेंगे, ऐ मनोवृत्ति। सबकी मनोवृत्ति तपित है, पीड़ित है। मनुष्य का मन बड़ा कमजोर, बड़ा कमजोर, हरदम वो पुछ पुछ करता रहता है। खाने को नहीं मिलेगा, साथी लोग बिछुड़ जाएंगे तब क्या होगा, व्यापार रुक जाए तो क्या होगा, नौकरी छूट जाए तो क्या होगा, खेती बिगड़ जाए तो क्या होगा। ये पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कहीं कुछ सोचते हैं? न इनकी खेती है, न दुकानदारी है, न नौकरी है, न चाकरी है, न बैंक में खाता है, न शरीर पर कपड़ा है, न घर द्वार है। और सब जानवर खूब खुश खाते पीते नाचते चहचहाते हैं। इस आश्रम में तो अब तो पक्षी, क्योंकि भीड़ बहुत है, पक्षी भी बेचारे चुप चाप रहते होंगे। लेकिन ये भीड़ चार दिन के बाद प्रातः 3 बजे से ही बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे ऐसे पक्षी रहते हैं, बड़े मधुर स्वर। अब आदमी उठता है तो मालूम होता है जैसे बीमार है। मनुष्य का मन बड़ा दुर्बल है, अपने अविवेक से उसने दुर्बल बनाया है। हर आदमी का मनुष्य तप रहा है, पीड़ा में, भ्रम में पड़ करके। वो भ्रम है अविद्या से। साहब कहते अविद्या के पट खोल दे, ऐ मनोवृत्ति तेरे को पीव मिलेगा। मनोवृत्ति का पीव आत्मा है, ये आत्मा ही पीव है। आत्मा ही सारे ज्ञान विज्ञान का प्रकाशक है। ईश्वरों का भी ईश्वर, देवों का भी देव, भगवानों का भगवान मनुष्य की आत्मा है। मनुष्य ने ही सारे भगवानों ईश्वरों और देवों का सृजन किया है। हर मत वाले ने अपना अलग अलग ईश्वर बना लिया है, और जो उनके मन में है, जो ईश्वर से कहलाना चाहा है, ईश्वर के मुंह में डाल करके निकाल लिया है। हमारे भगवान ने ऐसा कहा है, हमारे भगवान की किताब में ऐसा लिखा है, हमारे देवता की ये वाणी है। जैसा मन में था अपने देवता के मुंह में डाल दिया और निकाल लिया। तो सारे देवों का सृजन करने वाला मनुष्य का आत्मा है। आत्मा सर्वश्रेष्ठ है, आपका आत्म अस्तित्व सर्वोच्च है। आप अपने को हीन और तुच्छ न मानिए। आप अगर तुच्छ हैं तो महान कौन है? आप में महानता कैसे आ सकती है अगर आप तुच्छ हैं तो? आप महान हैं। आशा कामना वासना तृष्णा से जीव पीड़ित है। साहब कहते ऐ मनोवृत्ति अविद्या का पर्दा हटा दे, तेरे को आत्मा रूपी परमात्मा मिलेगा। किसी ने पूछा महाराज उसका व्यवहारिक स्वरूप क्या है? उन्होंने कहा घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। वह परमात्मा घट घट में बैठा है, इसलिए कटु वचन न बोलना। आप परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, ऐसे परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं जो कभी देखे नहीं, और जिसको देखते उसको परमात्मा नहीं मानते हैं। ये मनुष्य के दिमाग का लकवा है।
वस्तुतः जो ये दिखाई देते हैं ये परमात्मा है। देखो यहां परमात्मा का विराट स्वरूप बैठा है जिसमें देवी और देवता दोनों हैं। आपने कहीं शिव जी का ऐसा चित्र देखा होगा जो आधा स्त्री और आधा पुरुष का है, दहनांग पुरुष बायांग स्त्री, ऐसा शिव कभी नहीं हुआ है। वस्तु ये समाज शिव है, इसमें आधा स्त्रियां आधा पुरुष हैं, ये दोनों मिला करके शिव है। परमात्मा, अगर सगुण परमात्मा आप दर्शन करना चाहते हैं सगुण परमात्मा के, तो ये प्राणियों का समूह है। घट घट में वही साई बसत है, कटुक वचन मत बोल रहे, कटु वचन मत बोलो। एक वाक्य का आचरण हम कर ले तो हमारा जीवन बदल जाए। आज से कटु वचन बोलना बंद कर दें, घर में आनंद आ जाएगा, समाज में आनंद आ जाएगा। कितने घरों में हैं लोग कटु वचन के बिना वो बोल ही नहीं पाते, हरदम गर्म रहते हैं, और यहाँ तक कि टट्टी पेशाब की जगह का नाम लेके बात करते हैं। पढ़े लिखे लोगों की भी ये दशा होती है, ये अपना बनाया दुर्भाग्य। ज्ञान की बात कहते सुनते समय बीत जाते हैं, लेकिन अगर आचरण न किया जाए तो जीवन नहीं बदलता है। आचरण करने की जरूरत है। प्रतिज्ञा करें आज से कि कटु वचन नहीं बोलेंगे, जीवन हमारा बदलेगा। वाक्य संयम की बड़ी आवश्यकता है। बिला वजह बोल करके हम वातावरण खराब करते हैं। अहंकार पूर्वक वचन, कटु वचन कभी न बोले। घट घट में वही साई बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। सहस्रशीर्षा पोषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सब भूमिम विश्वतो वृत्ता तिष्ठ दशांगुलम, ये ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का मंत्र है। उस विराट पुरुष के हजारों हाथ पैर सिर ग्रीवा हैं। वो कौन सा विराट पुरुष है? ये प्राणियों का जो समाज है ये विराट पुरुष है। साणाचार्य वेदों के भाष्यकारों में सर्वोच्च भाष्यकार माने जाते हैं। ऋग्वेद और अथर्व वेद का भाष्य उनका मिलता है। साम वेद स्वतंत्र वेद नहीं है, ऋग्वेद के मंत्र ही सारे साम वेद में हैं। साम वेद के पास कुल अपना 75 मंत्र है बस, इसलिए शायद उन्होंने उसका भाष्य नहीं किया। यजुर्वेद यज्ञ परक है, यद्यपि कर्मकांडी पंडित थे लेकिन यजुर्वेद का भाष्य भी उनका नहीं मिलता। बहुत काम के वेद ऋग्वेद और अथर्व वेद है, ये दोनों का भाष्य उनका मिलता है। और उन्होंने इस मंत्र के भाष्य में जो लिखा है मैंने अपने वेद में उसको लिखा, उद्धृत किया, हिंदी में अनुवाद दे दिया प्रवाह में, और नीचे उनका संस्कृत गद्य दिया। उसका भाव यही है कि ये समाज विराट पुरुष है और विभिन्न व्यक्ति मानो उसके हाथ पैर सिर ग्रीवा। देखो ये भगवान के दर्शन हो रहे हैं, इससे बढ़िया भगवान कहाँ मिलेगा? इसमें भेद ये नहीं किया गया कि किस वर्ग का आदमी है, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी ब्राह्मण शूद्र, ये शब्द की जरूरत नहीं है। मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य ही नहीं प्राण मात्र के प्रति करुणा स्नेह प्रेम श्रद्धा की जरूरत है। घट घट में वही साई बसत है, कटुक वचन मत बोल रहे। कह लेते हैं सुन लेते हैं, अंदर का अहंकार अंदर की कामना हमें स्थिर नहीं रहने देती है और हम असंतुलित हो जाते हैं। अपने को संभालना है, सबसे बड़ी बात है अपने मनरियों को संभालना, यही सच्चा भजन है। घट घट में वही साई बसत है, कटुक वचन मत बोल रहे।
धन जोवन का गर्भ न कीजे झूठा पचरंग चोल रे। धन जवानी का गर्भ न करो, पचरंग चोल झूठा है। पचरंग पांच रंगों का चोला, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच विषय, इन्हीं को लाक्षणिक भाषा में साहेब रंग कहते हैं। पचरंग चोला पांच रंगों का जो चोला है, पांच विषयों से मंडित शरीर, ये सच नहीं है। नानक यह तन मिथ्या जानो, या तन में जो राम बसत है ताको सांच पिछानो। नानक साहेब ने कहा इस जनों इस शरीर को मिथ्या समझो, लेकिन इसमें जो राम बसता है उसको सच्चा समझो। तो ये राम कोई हिंदुओं का राम नहीं है, ये मानव प्राणी मात्र का राम है। ये राम अंतरात्मा है जो श्री राम के अंदर में रहा और दशरथ के अंदर में रहा, रावण के अंदर में रहा, मंथरा के अंदर में रहा, कीड़े पतंगे के अंदर में है। कहीं कबीर ये हरि के बूता, राम रमे ते कुकुरी पूता। राम तो कुकुरी के पूत में भी रमा है। तो साहब कहते हैं धन यौवन का गर्भ न कीजे, धन जवानी का गर्भ न करो। ये चार दिन की चांदनी फिर खो जाने वाली है। आदमी भ्रमित क्यों है दुनिया की चमक दमक में? और दुनिया की चमक दमक क्षणिक है। जितने यहां बूढ़े बैठे हैं सब जवान थे, लेकिन आज बूढ़े हैं। जो जवान है वे भी बूढ़े होकर जीवित रहेंगे। तो हर पदार्थ में, हर निर्मित वस्तु में हरदम रासायनिक प्रक्रिया चलती रहती है, परिवर्तन। रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जो किसी भी वस्तु को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में निरंतर बदलती रहती। हम नया मकान देखते हैं कि ये नया मकान है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से मकान बनते बनते पुराना होना शुरू हो जाता है। उसमें रासायनिक प्रक्रिया चालू हो जाती है, परिवर्तन। सब कुछ परिवर्तनशील है। धन जवानी का गर्व न करो, ये पांच रंगों का चोला झूठा है। इसमें रह करके जो काम करना है वह काम करो। दुनिया की चमक दमक की बुद्धि अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण है। अज्ञान जितना निवृत्त होगा चमक दमक नहीं लगेगी। जवान जितना चमक दमक में उलझता है बूढ़ा नहीं उलझता है, क्योंकि उसने देख लिया है दुनिया को। अंतर हो जाता है, जवान ज्यादा भ्रम में रहता है, लेकिन विवेक उदय होने पर जवान और बूढ़ा का प्रसंग नहीं रहता है। आदि शंकराचार्य 32 वर्ष की उम्र में सब काम करके शरीर छोड़ दिए थे। वो एक सुनता हूं 8 ही वर्ष में घर छोड़ दिए थे, 8 ही वर्ष की उम्र में विरक्त हो गए थे। और भारत के चार कोनों पर चार मठ स्थापित किए, प्रस्थान त्रयी का भाष्य किए, उपनिषद गीता और ब्रह्म सूत्र और अनेक पुस्तकें मौलिक लिखे और प्रचार किए और शरीर छोड़ दिए 32 वर्ष की उम्र में। पारक सिद्धांत के परम संत श्री पूर्ण साहेब, परम वैराग्यवान पुरुष, बीजक की टीका उन्होंने लिखी। उन्हीं की बीजक टीका प्रथम टीका है, शायद धनौती की टीका पहले रही होगी। गुरगम बोझ धनौती की टीका है, उस पर पूर्ण साहब का प्रभाव नहीं, इसलिए वो पहले होगी, लेकिन वहाँ विकास नहीं हुआ। पूर्ण साहब की टीका छपी। पूर्ण साहब की टीका देख करके ही रीवा नरेश ने अपनी टीका लिखी
वो तो कॉपी ही करवा लिए थे, बुरहानपुर अपना पंडित भेज करके लिखवा लिए थे, और निर्जीवन नरेश की टीका पहले छपी है, पूर्ण साहेब की टीका तो बहुत दिनों तक पड़ी रही तब छपी, लेकिन लिखी गई है पूर्ण साहेब की टीका पहले, इसके लिए प्रबल प्रमाण है। रीवा नरेश ने अपनी टीका में पूर्ण साहेब को उद्धृत किया है, और पूर्ण साहेब के अनेक बड़े बड़े वाक्य ज्यों का त्यों अपनी टीका में लिख लिया, नकल कर लिया है। तो पूर्ण साहेब 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। आज प्रत्यक्ष उदाहरण है, थोड़ी थोड़ी उम्र में विरक्त हो जाते हैं लड़के, वैराग्य मार्ग में आ जाते हैं। तो उम्र से मतलब नहीं है, जहाँ ज्ञान उदय हो गया थोड़ी उम्र में जवानी में, वो बुजुर्ग ही है, लेकिन अवस्था का प्रभाव तो होता ही है। सामान्य व्यक्ति जवानी में जो उसके मन में राग रंग रहता है, वही व्यक्ति चाहे ज्ञान न हुआ हो, बूढ़ा हो जाने पर उतना आकर्षण नहीं रहता है, क्योंकि दुनिया को देख चुका होता है। विवेक उदय होने पर तो जवानी ही में जिसको विवेक उदय हो गया, सब कुछ उसको निस्सार दिखता है। चमक दमक से इंद्रियां उत्तेजित होंगी, मन उत्तेजित होगा, और उसमें जीवन में विकार बढ़ेगा, अपश्चाताप होगा, तकलीफ होगी, कुछ फल मिलेगा नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा सुख काम भोग को माना है, लेकिन वो सबसे दुख है, उसी के पीछे सारा दुख लगता है। गृहस्थ के लिए, एक संतान के लिए, उसके लिए छूट दी जा सकती है, बाकी तो अपने को छीण करना है, कोई फायदा नहीं। और कोई भी गृहस्थ उसका अनुभव कर सकता है कि उसके परिणाम में क्या है। पहले तो आरंभ में ही एक उत्तेजना है, खलबली हो गई, आप स्वस्थ बैठे हैं, प्रसन्न चित, कोई जरूरत नहीं, काम वासना की खलबली आई, अब दूसरे की जरूरत है, यही दुख हो गया, परतंत्रता हो गई, उत्तेजित हो गए, छीण हो गए, मलिन हो गए, फिर पश्चाताप, क्या फायदा हुआ। जो सबसे बड़ा सुख माना है, एक मलिनता है, सृष्टि के लिए केवल उचित है, गृहस्थों के लिए। चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है विलास के लिए, और वेद के रचनाकार प्रायः गृहस्थ है, सभी ऋषि करीब करीब गृहस्थ है, और उन्होंने केवल संतान पैदा के लिए विवाह बताया है। विवाह के समय में भी यही कहा जाता है पुरुष द्वारा, मैं तेरा पाणि ग्रहण करता हूं, मुझे संतान चाहिए। तो मैंने कहा कि जो सबसे बड़ा आकर्षण है काम भोग का, वो सबसे बड़ा दुखद है। जीतो अपने मन को बहो मत, ऐसे सभी इंद्रियों को जीतो, सभी विषयों को जीतो। जितना आदमी इंद्री जित होगा उतना सुखी होगा, जितना इंद्री लंपट होगा उतना पीड़ित होगा। धन यौवन का गर्व न कीजे, झूठा पच रंग चोर रे, शून्य महल में दियना बारी ले, आसन से मत डोल रे। शून्य महल में दीपक जला लो, आसन से मत डोलो। आसन और आशा ये पाठांतर है, कहीं आशा है कहीं आसन है, दोनों में अर्थ का फर्क नहीं है, दोनों में सकारात्मक है। शून्य महल में देना वार ले, शून्य महल में दीपक जला लो, आसन से मत डोल रे, और इस आसन से, इस स्थित से न डोलो, अथवा आशा से मत डोल रे, दुनिया की आशा में पड़ करके मत भटको। शून्य महल में दीपक जलाना क्या है, चित्त का संकल्प रहित हो जाना शून्य महल होना है। ध्यान का अंतिम रूप है चित्त वृत्ति का शांत हो जाना,
पतंजल ने कहा है, योगस चित्त वृत्ति निरोध, योग का अर्थ है चित्त वृत्ति का निरोध हो जाना। चित्त और वृत्ति, चित्त तो मन है और वृत्ति एक प्रक्रिया है, जैसे पानी और लहर, पानी सागर में भरा है और लहर ठोकर से उत्पन्न होती है, चाहे वायु का ठोकर हो चाहे पदार्थ का ठोकर हो। जब हम सागर में तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ का पानी दब जाता है, इसलिए आगे का पानी हिस्सा उठ जाता है, लेकिन उठ करके फिर गिर जाता है, तो फिर दब गया तो फिर आगे उठ गया। पानी उठता और गिरता है, इसी को हम तरंग कहते हैं। ऐसे एक मन है और एक वृत्ति है, वृत्त नाम घेरा लपेट। मन है शांत है, मन तो है लेकिन वृत्त नहीं है, कुछ सोचा नहीं जाता है। वृत्ति जैसे कि आप बैठे हैं, ख्याल आया, सड़क का ख्याल आया, तो सड़क की एक वृत्ति बन गई लंबाकार और उसमें नाम आ गया सड़क। नाम और रूप ये दोनों वृत्ति में आते हैं। गाय की याद आई तो गाय का रूप आ गया और गाय नाम आ गया। इस प्रकार नाम और रूप वृत्ति में आते हैं। जब चित्त वृत्ति शांत हो जाती, नहीं वृत्ति शांत हो जाती है तो नाम रूप शांत हो जाते हैं। ये समाधि है, यही सच्चा ध्यान है, यही शून्य महल होना है। कबीर साहब ने सहज समाधि कही, सहज समाधि के दो रूप हैं, एक चित्त वृत्ति का शांत हो जाना और शुद्ध चेतन स्थित हो जाना, चेतन अपने आप में स्थित हो गया। और दूसरा है काम धंधा करता है, व्यवहार करता है लेकिन मन कोई मैल नहीं, आत्मज्ञान से भावित है, कोई मैल नहीं, ये भी सहज समाधि। ये व्यवहारिक सहज समाधि है, खाते पीते उठते बैठते काम धंधा करते हर समय सहज समाधि है, इसका मन निर्मल है। लेकिन वो अवस्था आनी चाहिए जब चित्त वृत्त शांत हो जाए, कुछ न सोचना। ये कल्पना नहीं है, ये मत समझिए कि आदर्श है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता है लेकिन इसके लिए वैराग की जरूरत है। वैराग जितना प्रदीप्त होगा ध्यान उतना लगेगा। वैराग का अर्थ घर छोड़ना नहीं है और कपड़ा बदलना नहीं, वैराग का अर्थ है अनासक्ति। जो घर छोड़ दिए हैं और साधु कपड़ा पहने उनको भी, और जो घर में हैं और गृहस्थिक कपड़ा पहनते उनको भी, और स्त्री को भी पुरुष को भी, सब में वैराग की जरूरत है। सबको संसार छोड़ना है, इसलिए अनासक्ति सबको जरूरी है, अनासक्ति का अभ्यास। जिस संसार को छोड़ना है उस संसार को जब हम मन से छोड़ देते हैं और शरीर से उसकी सेवा करते हैं तो यही कृतार्थ अवस्था है। मन से नहीं छोड़ते हैं तो हम राग द्वेष करते हैं, सेवा भी ठीक से नहीं कर पाते हैं और फिर हमारा नुकसान होता है। अनासक्ति ही वैराग्य है। आसक्ति के कारण चित्त भटकता है। जिसका चित्त अनासक्त है सर्वत्र से, उसका चित्त भटकता नहीं। अनासक्त करना चित्त को, इसमें भी घबराना नहीं चाहिए, झट से अनासक्त नहीं होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। साधक तो घबरा भी जाता है कि कितनी मेहनत करता हूँ लेकिन मन में राग आता है, काम मोह आता है, फिसलन आती है। घबराए ना, करता जाए करता जाए करता जाए, निश्चित ही सफलता होगी। बाहरी चीजों में तो पूरी सफलता की गारंटी नहीं है। व्यापार किया घाटा हो सकता है, खेती की सूखा दहा पड़ सकता है, कीड़े खा सकते हैं,
और भी कामों में असफलता हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक साधना में असफलता की कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें जिसको मारना है वो मन का विकार है, वो कोई स्वतंत्र जीव नहीं कि हमारे ऊपर चढ़ बैठे। वैसे तो लोग कहते हैं भगवान की माया सबको नचा रही है, महाभ्रम है, भगवान की माया सबको नचा रही है। भगवान ईश्वर परमात्मा जो आपको, वो सज्जन है कि दुर्जन है? अगर वो सज्जन है तो माया कैसे हो रखेगा? जो माया अपने पास में रखता है वो सज्जन नहीं हो सकता। माया नाम छल कपट, धोखाधड़ी। अगर ईश्वर धोखाधड़ी करता है लोगों के साथ तो वो सज्जन कहाँ है, फिर उसकी उपासना कैसे? और अगर वो सज्जन है तो माया क्यों रखेगा? एक आदमी कटही कुतिया पाले हो और अपने पड़ोस में सब पर लोहकार देता हो और कटवाता हो तो उसको कोई अच्छा कहेगा? अगर ईश्वर ऐसा ही है, वो कटही कुतिया रखे है माया रूपी और दौड़ा दौड़ा करके सबको परेशान करता है, तो ऐसे ईश्वर को तो जेल में भेजना चाहिए, पता लगाना चाहिए कहाँ है ईश्वर, उसको पकड़वाओ पुलिस से। ईश्वर ईश्वर लोग कहते लेकिन ईश्वर का महत्व नहीं समझते। ईश्वर क्या है? दार्शनिक दृष्टि से ईश्वर विश्वव्यापी नियम है, आध्यात्मिक दृष्टि से ईश्वर सब घट में बैठा चेतन आत्मा है। ऐसा ईश्वर कहीं नहीं बैठा है जो माया रूपी कटही कुतिया रखे हो सब पर दौड़ाता हो। बहुत बड़ा भ्रम है, शास्त्रों में लिखा है, बड़े बड़े पंडित महात्मा कहते हैं कि भगवान की माया नचा रही है। क्या करूं महाराज, भगवान ने ऐसी माया डाली है, छुट्टी नहीं है। भगवान ने डाली है कि आपने डाली है? तमाकू लोग खाते हैं, भगवान ने खिलाया है? शराब भगवान पिलाता है किसी को? चोरी किसी से भगवान करवाता है? माया का फल है कुकर्म। जो माया में विमोहित होगा वो कुकर्म करेगा। तो क्या भगवान कुकर्म करवाता है? ईश्वर की माया सबको नचाती है, ये धारणा महाझूठ है। हर व्यक्ति की अपनी माया उसको नचाती है। और लोग कहते हैं हम ईश्वर के भक्त हैं और ईश्वर को गाली देते हैं। जो कहता है ईश्वर की माया नचाती है वो ईश्वर को गाली देता है। आप ही को कोई कहे कि आप हमें परेशान करते हैं तो आप दुखी हो जाएंगे। ईश्वर सबको परेशान करता है। माया है मन का मोह, माया है मन का विकार, ये आदमी का बनाया, किसी ईश्वर का नहीं। इसलिए ईश्वर को आप बदनाम न करें। हमारे मन का मोह, हमारे मन का अज्ञान, इसे हमें ही काटना है। शून्य महल में दीना बारी ले, शून्य महल में दीपक जला लो, अनासक्त हो जाओ संसार से, सब छूटना है, किसी का कुछ रहने वाला नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं 100 वर्ष के बाद इनमें कोई नहीं रहेगा, 100 वर्ष के पहले बहुत लोग नहीं रहेंगे, बहुत लोग तो कुछ वर्षों में नहीं रहेंगे, कोई ऐसा भी हो सकता है महीनों में न रह जाए, कुछ ठिकाना नहीं। थोड़े दिन में ये खारिज हो जाने वाला है। जहाँ से सब कुछ छोड़ करके जाना है वहाँ की आसक्ति को जीत करके रहना है। आसक्ति के कारण सारी पीड़ा है। जो आसक्ति को जीत करके रहता है वो सुख से रहता है और सेवा करता है, अच्छा काम करता है। जो आसक्त रहता है उसका काम अच्छा नहीं होता है, वो तो रागद्वेष करता है। दशरथ जी आसक्ति के कारण गड़बड़ा गए और दुखी होके मर गए। आसक्ति में न होते तो जिस प्रकार वो मरे हैं न मरते। वे कई कई से कहते बता तेरा अमर दुश्मन हो तो मैं उसको मार सकता हूं, क्यों तो दुखी है?
लेकिन उन्हीं के पुत्र राम अयोध्या वासियों के शिकायत करने से अपनी पत्नी को निकाल दिए थे। निकाल देना अच्छा हुआ बुरा हुआ ये अलग विषय है, लेकिन राम की ऊंचाई कितनी है। और दशरथ कहते हैं अपनी पत्नी को खुश करने के लिए तेरा अगर कोई अप्रिय है वो अमर भी है तो मैं उसको मार सकता हूं, विचार कुछ नहीं करते, ये मोह का कारण है। कोई भी बड़ा से बड़ा हो मोह करेगा फंसेगा। इस धरती आकाश के बीच में क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है, इसीलिए हमने ऐसा ईश्वर बनाया है जो क्षमा कर दे, लड्डू थमा दे उसके हाथ में और प्रार्थना कर दे थोड़ा रो लें तो हमारे पापों को काट दे और हमें मुक्ति का सर्टिफिकेट दे दे। ये भूल भुलैया है। कोई ऐसा ईश्वर नहीं बैठा है जो आपकी प्रार्थना से पिघल जाए और लड्डू खाने से आपके पापों को काट दे और आपको कल्याण कर दे आपका। ये सब कुछ अंदर की प्रक्रिया है, अपने मन को ठीक करना है, पाप को छोड़ना। कोई क्षमा करने वाला नहीं, करनी का परिणाम सबको भोगना। महाराज राम ने बाली को छिपके मारा तो कृष्णा अवतार में वह बजरा नाम के व्याध से मारे गए, ये पंडित ही लिखता है। राम को क्षमा नहीं किया पंडित। श्री कृष्ण महाराज ने शिषपाल की भुजा उखाड़ ली तो भगवान कृष्ण जगन्नाथ में लूले बैठे हैं। जब मैं अयोध्या गया, एक अपने मित्र संत हैं जिनके बहुत सी मूर्तियां हैं, वैष्णव संत, हमारे कई वैष्णव संत मित्र हैं, सभी वर्ग के हमारे मित्र हैं। तो जगन्नाथ की मूर्ति थी, वहां ले गए मुझे तो हाथ लूला। उन्होंने कहा महाराज ये मूर्ति देख करके मुझे बड़ी करुणा लगती है। तो मैंने कहा भगवान अपना कर्म फल भोग रहे हैं, आप क्या करेंगे। तो भी हंसने लगे, सब हंसने लगे। ये हिंदुओं की उदारता है। हिंदू जैसा उदार विचारों में पूरी दुनिया में आप पाएंगे नहीं। जिसको भगवान करता है उसको भी क्षमा नहीं करता, उसको भी कहता कर्म फल भोग पाए। विष्णु ने वृंदा का सतीत्व नष्ट किया तो उसके साप से वे पत्थर बन गए, विष्णु नहीं क्षमा किए गए, आपको क्षमा हो जाएगी। लड्डू चढ़ाएंगे आपका पाप कट जाएगा। पाप करना छोड़ो, फिर लड्डू जिनको खिलाना हो खिलाओ। मंदिर में भी चढ़ाओगे तो नहीं मूर्ति खाएगी तो पुजारी तो खाएगा ही। लड्डू में चढ़ाने नहीं रोकता हूं, लेकिन पाप करना छोड़ो। आसक्ति पाप की जड़ है। शून्य महल में दिए नवार ले, चित्त को निर्वकल्प करके उस समाधि अवस्था में जाओ जहाँ पूरी प्रशांति है। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञया। सारे प्रपंच का उपशमन हो जाने पर, यानी मन शांत हो जाने पर शिवम अद्वैतम अवस्था आती है। शिव मंगलमय, संकल्प शून्य हो गया, आत्मा अपने आप शिव है, कल्याणमय, अद्वैत है, अकेला है, कैवल्य है। ये शून्य महल में दीपक जलाना है। आसन से मत डोल रे और इस स्थिति से विचलित मत हो। जोग जुगत से रंग महल में पिय पाए अनमोल रे। साधक कहता है योग युक्ति से मैंने रंग महल में अनमोल पीऊ पा गया। कबीर साहब इस शरीर को गंदा भी कहते हैं, रंग महल भी कहते हैं। तू गंधी को बेड़ो, अय मनुष्य तू गंधी का जहाज, गंदगी का जहाज है। इस शरीर को गंदा कहते हैं, लेकिन रंग महल भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से साधना की जाती है। रंग महल में दियना बारिले, जोग जुगत से रंग महल में पी पायन मोल ले। योग युक्ति से साधना द्वारा इस शरीर के अंदर में अनमोल पीव आत्मा रूपी परमात्मा मिल गया। ये आत्मा ही परमात्मा है, मनोवृत्ति उसकी पत्नी है और आत्मा पति है।
मनोवृत्ति हमारी भटकती है परमात्मा को पाने के लिए। साहब कहते अविद्या का पर्दा हटा दो, परमात्मा पहले से प्राप्त है, छुटा है ही नहीं, भ्रम है। गले में कंठा, एक सहेली को गले में कंठा पड़ा था लेकिन उसने भांग खा लिया था, तो सखियों से कहे मेरे गले का कंठा खो गया, तो किसी ने उसकी साड़ी हटा के कहा अरे कंठा तो तेरे गले में है, तो कहे मिल गया। ऐसे ही हमारा परमात्मा है, खोया भी नहीं है, मिलना भी नहीं है, विस्मरण है, स्मरण में आना है, बस भांग का नशा है। ये दुनियादारी भांग, दुनियादारी नशा, देह का, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, जाति का, वर्ण का, साधु महात्मा होने का, मठाधीश होने का, जगतगुरु होने का, आचार्य होने का, महामंडलेश्वर होने का, सरपंच प्रधान होने का, मंत्री होने का, प्रवक्ता होने का, नाम कहाँ तक गिनाया जाए। जितनी औपाधिक वस्तुएं हैं, जो आज हैं कल नहीं हैं, इन्हीं मिथ्या वस्तुओं में चिपक करके हम नशा में डूबे, इसीलिए हमारा परमात्मा विस्मृत है। नशा को दूर करना है, परमात्मा को नहीं खोजना है, केवल नशा दूर करना है। सारा नशा दूर कर दें, सारा अहंकार दूर कर दें, परमात्मा हाजिर हुजूर है। जोग जुगत से रंग महल में पी पाए अनमोल ले, कहें कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। सदगुरु कबीर कहते हैं आनंद हो गया, ढोल बजने लगा। आनंद तो लोग जब टीवी के पास बैठते तब भी हो जाता है, सिनेमा हॉल में जाते तो भी आनंद आ जाता है, लड़का पैदा हुआ आनंद हो जाता है, थोड़ा मिठाई मिल जाए उसी में आनंद आ जाता है। आनंद के चांस बहुत हैं, लेकिन वो आनंद स्थिर नहीं, बहुत से आनंद के पीछे क्लेश है। बल्कि दुनियादारी चीजों में जहां आनंद मानेंगे क्लेश आना पक्का है, बच नहीं सकते। जो आनंद कभी छूटे ना, वो आनंद हमें चाहिए, वो है आत्मा राम में विश्राम पाने से। जब अनाहत ढोल बजने लगेगा, अनाहत ढोल क्या है, अनाहत नाद, दोनों कानों में उंगली डाल लेते हैं साधक, तब खोपड़ी से आवाज सुनाई देती, उसको अनाहत नाद कहते हैं। ये बहुत स्थूल है, ये अनाहत नहीं है, आहत है। अनाहत नाद का अर्थ होता है बिना चोट खाए उत्पन्न हुआ शब्द, आहत नाम चोट खाया हुआ, अनाहत नाम चोट न खाया हो, नाद शब्द बिना चोट के शब्द होता ही नहीं है, ये वैज्ञानिक तथ्य है। दो वस्तुओं के टकराहट में आवाज होती है, मैं बोल रहा हूं, ओष्ठ दंत तालु कंठ इत्यादि परस्पर टकराते हैं, तब शब्द होता है। इसलिए अनाहत नाद जो हम नसों की झनकार सुनते वो नहीं है, अनाहत नाद का अर्थ है अनुभव। जब मन निर्मल हो जाता है, अनासक्त हो जाता है, साधक आत्म स्थित हो जाता है, तब उसका अनुभव कुछ अलग रहता है। मोही आदमी का अनुभव रहता है पीड़ा, संताप, राग, द्वेष, कलह, जलन। जिसका मन बिल्कुल निर्मल हो गया, निर्मोह हो गया, उसके मन में शीतलता रहती है। ये चांद, सूरज, ये पृथ्वी, नक्षत्र उसको भिन्न ढंग से दिखाई देते हैं, ये सारा संसार उसको भिन्न ढंग से दिखाई देता है। आज अंत वाली चीज को आदि में देखता है, वो जवानी में बुढ़ापा को देखता है, संयोग में वियोग को देखता है, उसकी दृष्टि ही बिल्कुल भिन्न हो जाती है। इसलिए उसके मन में कोई क्लेश नहीं रहता, का मोह का शोक एकत्तम अनुपश्यत। ये शुक्र यजुर्वेद की 40वीं अध्याय के एक मंत्र का आधा अंश है। का मोह का शोक एकत्तम अनुपश्यत, जिसके मन में एकत्व का अनुभव हो गया, कहाँ शोक कहाँ मोह,
सुख दुख हानि लाभ संयोग वियोग अनुकूल प्रतिकूल सम में सम बुद्धि, उद्वेग शून्य शांत कृतार्थात्मा। जब ऐसी स्थिति आ गई तो मोह कहाँ शोक कहाँ, ये जीवन का फल है, ये आनंद ढोल बजना है। जो शांति का अनुभव है, कैवल्य का अनुभव है, निर्वाण का अनुभव है, तथागत बुद्ध ने निर्वाण और परिनिर्वाण कहा। निर्वाण बुझ जाना, दीपक बुझ गया उसका निर्वाण हो गया, वासना बुझ गई निर्वाण, परिनिर्वाण देह छूट गई। ऐसे ज्ञानी का जब देह छूट गया तो उसको परिनिर्वाण कहते हैं, और जब तक देह में है तब तक निर्वाण। मन तो है लेकिन मन वासना सिक्त नहीं है। आप गैस को देखिए, गैस में मेंथल बांधा जाता है, मेंथल लाया जाता है, खोल करके उसमें बांधा जाता है, फिर जला दिया जाता है। तो जैसे जलाया जाता है मेंथल राख हो जाता है, लेकिन उसका पिंड बना रहता है और तब तक वो प्रकाश देता है, लेकिन जब टूट जाएगा वो तब प्रकाश नहीं देगा। ज्ञानी का मन जला हुआ मेंथल है, वो ज्ञान वैराग्य से जल गया है, लेकिन शरीर जब तक है तब तक वो प्रकाश देता है, मन काम देता है, लेकिन फिर वो अलग जुड़ने वाला नहीं है। जलाया हुआ मेंथल उस गैस से खोल करके आप दूसरी गैस में नहीं बांध सकते, वो खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार ज्ञानी का मन, ज्ञानी का अर्थ है अनासक्त, ज्ञानी का मतलब प्रवक्ता नहीं, ज्ञानी प्रवक्ता हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। व्यावहारिक भाषा में ज्ञानी का अर्थ है जानने वाला, आध्यात्मिक भाषा में ज्ञानी का अर्थ है निर्मोह। जो निर्मोह हो गया है उसका मन जले हुए मेंथल की तरह है, लेकिन तक शरीर टूटता नहीं है तब तक वो मन काम करता है, परंतु कृतार्थ आत्मा है। ऐसे पुरुष का जो अनुभव होता है वो बिल्कुल अलग होता है। इसी कीचड़ पानी हल्ला गुल्ला धूल धड़क्का राग द्वेष भरे संसार में वो रहता है और मुक्त रहता है। पहले के जो महापुरुष मुक्त हुए हैं वह इसी हल्ला गुल्ला भरे संसार में रह के मुक्त हुए हैं। पहले जमाने के कोई भी महापुरुष हो, नाम ले लो, देश विदेश में जितने महापुरुष हुए हैं, क्या उनके जमाने में सब कुल दूध का धोया था? बड़े बड़े प्रपंची थे। वेद पढ़ो, बाइबिल पढ़ो, कुरान पढ़ो, जिंदा वेस्ता पढ़ो, गुरु ग्रंथ पढ़ो, बीजक पढ़ो, कोई ग्रंथ पढ़ो, सभी ग्रंथों में पढ़ करके आप जान सकते हैं, सब समय उत्पाती रहे हैं, इसीलिए उन संतों ने रास्ता दिखाया है। आज भी इसी प्रकार है, आप चाहें तो अपना उद्धार कर सकते हैं। इसी संसार में रह करके, जबकि लोग शिकायत करते हैं आज जमाना बहुत खराब है, आज जमाना बहुत अच्छा है, हम जी रहे हैं, इसी में हमें साधना करना है, आज बुरा कैसे है? अगर हम अपने को ठीक कर लें हमें सब अच्छा अच्छा दिखेगा। अनहट ढोल बजना आत्मा अनुभव है, और इसी में सदा आनंद है। सदगुरु का यह छोटा पद है, घूंघट के पट खोल रहे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वही साई बसत है, कटुक वचन मत बोल रे, धन यौवन का गर्व न कीजे, झूठा पचरंग चोर रे, शून्य महल में देना वार ले, आशा से मत डोल रे, जोग जुगत से रंग महल में पी पाए अनमोल रे, कहें कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। बोलिए सदगुरु।